हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एडोबी फोटोशॉप के अंदर जानेंगे क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपको दोनों ही क्रॉप के एग्जाम्पल्स जो है देके बताऊंगा, जिससे जो है आप सभी के डाउट्स जो है एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सभी को अपने नोट्स वगैरह को अच्छे से अरेंज करना है तो फ्रेंड्स आप फोटोशॉप की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे करना है हमें। तो देखिए, आपको यहाँ पे क्रॉप टूल में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है क्रॉप टूल और सेकंड ऑप्शन है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रॉप टूल के बारे में। तो क्रॉप टूल पे ऐसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए, जाहिर सी बात है क्रॉप का मतलब है कि यहाँ पे ये जो है आपको कटिंग के लिए काम आने वाला है। आप इसका पर्सपेक्टिव अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, आपको कितना पोर्शन जो है क्रॉप करना है उतना हिस्से को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है। और नीचे से भी मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट और यहाँ से जैसे मैं डन करूँगा तो देखिए फ्रेंड्स, जो व्यू मुझे क्रॉप के अंदर दिख रहा था ना, उसी व्यू में उसी एंगल में ये क्रॉप करेगा, ठीक है। अगर अब मेरे को अगर इस इमेज में से कोई डेटा पढ़ना है तो ऐसे में मेरे को दिक्कत हो जाएगी। हाँ, मैं जूम करके भली चाहे पढ़ सकता हूँ, लेकिन जो है एक नॉर्मल वे में अगर मैं फ़ोन को रखूँ या अपनी कंप्यूटर स्क्रीन का रखूँ तो नहीं कर पाऊँगा। बार बार मेरे को जूम इन जूम आउट जो है थोड़ा बहुत जो है करना ही पड़ेगा। और इसका एंगल भी जो है ना फ्रेंड्स अच्छा नहीं आ रहा है। अगर आप इसको अपनी पीडीएफ वगैरह बना के नोट्स बुक की तरह रखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन जो है आप सभी के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, नॉर्मली अगर कहीं से क्रॉप करना चाहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी एंगल से, तो आप इससे जो है कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं सेकंड क्रॉप के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड इमेज है, इसमें हम पर्सपेक्टिव क्रॉप का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, पहले हमने क्रॉप टूल का इस्तेमाल किया, अब हम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का इस्तेमाल करेंगे। आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने उस इमेज के पोर्शन को सिलेक्ट करना है जितना हिस्से को आप कटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, यानी क्रॉप करना चाहते हैं। तो इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट टाइम उस पोर्शन पे क्लिक करना है जहां से आप उस इमेज को कटआउट करना चाहते हैं। देखिए, मैं इस एज से कटआउट करना चाहता हूं, तो मैंने एक क्लिक किया है, अभी सिर्फ एक क्लिक। इसके बाद जो है आपको एंड पॉइंट सिलेक्ट करना है टॉप का, तो मैं इसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अब इसके बाद मैं नीचे की साइड जाता हूँ इमेज में, अब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया। अब इसके बाद देखिए, ये फोर्थ पॉइंट है। इस फोर्थ पॉइंट को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, तो फ्रेंड्स ये जो है आपको एरिया शो कर देगा कि कितने एरिया में आपको क्रॉप चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा माउस जो है मूव वाला माउस आ गया। अब इसके बाद जो है, अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है अपनी इमेज में कहीं से, अगर कोई पर्सपेक्टिव आप सही करना चाहते हैं तो उसे सही कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि मेरी इमेज में डन है, तो इसे मैं ओके करता हूँ। तो आप खुद देखिएगा नॉर्मल क्रॉप और पर्सपेक्टिव क्रॉप में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। इसने इस इमेज का एंगल ही चेंज कर दिया। अब अगर मैं इस इमेज से कोई डेटा या नोट्स वगैरह पढ़ना चाहूँ तो ईजिली जो है पढ़ सकता हूँ, ठीक है। अब इस पर मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये भी एक नोट्स की फ़ोटो है। जब भी हम नोट्स की फ़ोटो लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो एंगल जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे में दिक्कत आ जाती है। अब मान लो कि आपको रिपेयर करना है तो आप इस टेक्निक की हेल्प से जो है रिपेयर कर सकते हैं। अपने पर्सपेक्टिव क्रॉप में जाइए, इमेज का पोर्शन को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये रहा हमारा थर्ड एंगल और ये रहा मेरा फोर्थ एंगल। अब यहाँ से बस मेरे को डन कर देना है। जैसे ही मैं डन करूँगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैजिक। तो इस तरीके से जो है पर्सपेक्टिव क्रॉप जो है काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को ये टेक्निक जो है जरूर पसंद आई होगी और आप जान गए होंगे कि क्रॉप और पर्सपेक्टिव क्रॉप में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।